देखिए, अजमेर के अंदर सरकार ने, प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। जिस तरीके से कल नजर आया था तस्वीरों में कि लोग घर से बाहर निकलकर बाजार के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अब दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जो नाकाबंदी पुलिस की ओर से की गई है, तो पुलिस ने अब सख्ती सुबह से ही बरतनी शुरू कर दी है। और अब लोगों को एक तरीके से ये ऐसा मान के चलिए कि हर थाने के यहाँ पर एक तरीके से नाकाबंदी कर दी है, यानी कि अब जो लॉकडाउन है उसकी कड़ाई से पालना हो रही है। 144 की कड़ाई से पालना पुलिस ने कराना शुरू कर दिया है। और ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, तो जहां जहां पर नाकाबंदी है वहीं से लोगों को वापस रिटर्न कर दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें परचूनी का सामान खरीदना है, उनको सब्जी खरीदनी है, उनको फल खरीदने है, उनको दूध लेना है, तो इसके लिए पुलिस ने स्पष्ट कह दिया है कि आपकी जो निकटतम दुकान है आप वहीं पर चले जाइए, आपको बाजार में जाने की जरूरत अब नहीं है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई आदर्श नगर से अगर वैशाली नगर आना चाहता है, तो अभी उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अलाउड तभी होगा जब उसको बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी अगर है, तो ही वो शहर के अंदर दाखिल हो सकता है, अन्यथा उसको आदर्श नगर से ही वापस अपने आस पड़ोस की किसी दुकान से उसको सामान लेना पड़ेगा। ठीक ऐसी ही स्थिति रामगंज की भी निकल के आई है। रामगंज में भी मजबूती के साथ में नाकाबंदी इस वक्त है, और उसमें सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर धारा 144 की कड़ाई से इस वक्त पालना कराई जा रही है। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में इस समय वीसी चल रही है कलेक्टर और एसपी की, और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी नाकाबंदी इस वक्त हो रही है, तो इसमें पुलिस को एक दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई जगह पर पुलिस को बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ रही है, लोगों की गाड़ियां जब्त करनी पड़ रही है, उनके चालान काटने पड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस इस वक्त एक अपील, प्रशासन इस वक्त अपील पूरे शहर से कर रहा है कि ये आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का ये सवाल है। एक आदमी भी अगर संक्रमित होता है, तो उससे आस पड़ोस के जो बाकी के कॉलोनीज आपकी हैं, उनमें संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए आप सभी तमाम लोग घर के अंदर ही रहिए। इस सख्ती के दौरान पुलिस ने ये भी कहा है कि आप लोग अपने आस पड़ोस के जो दुकानें हैं वहीं से सामान को खरीद लीजिए। दूर आपको बाजार में घूमने की जरूरत नहीं है। कोई दौरई से केसरगंज की ओर आ रहा है, उसको आने की जरूरत नहीं है। वो रामगंज से पहले ही जितनी भी दुकानें हैं वहां से ले सकता है सामान। उसके साथ में वैशाली के लोगों को इधर सिटी में आने की जरूरत नहीं है, स्टेशन रोड की तरफ आने की जरूरत नहीं है। यानी कि तमाम चारों तरफ से अब एक तरीके से थाने के हिसाब से नाकाबंदी मजबूत कर दी गई है। लोगों की सीमाएं एक तरीके से क्लोज कर दी गई है। पहले सुनने में केवल जो जानकारी थी वो ये थी कि जिले की सीमाओं के साथ साथ अब जो सख्ती बढ़ती गई है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, वो अब नजर आने लगा है ग्राउंड के ऊपर। और पुलिस ने एक तरीके से अपने अपने थाना इलाके की जो सीमाएं हैं उनको सीज कर दें कि नाकाबंदी के तौर पर जो सीज कर दिया है, ये कदम जो है ये बेहद आवश्यक कदम है। और ये इस कदम के जो असर है वो भी अब नजर आ रहे हैं, जिससे शहर के अंदर देखा जा रहा है कि अब जो लोग हैं वो अब शहर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को अपनी अपनी सीमाओं में ही रहने के लिए कह दिया है। MPTV इंडिया, प्रशासन, सरकार, सभी लोग मिलकर ये अपील कर रहे हैं इस वक्त कि आप लोग अपने घर से बाहर किसी भी वजह से मत निकलिए, बेवजह मत निकलिए। जब आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, बहुत ज्यादा आवश्यक काम हो, तभी आप घर से बाहर निकलिए। अपने घर पर ही रहिए, और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, और समझाइश की कोशिश कीजिए कि कोई भी लोग बाहर ना निकले। सबसे बड़ी बात है, पुलिस के सामने नए नए तरीके के लोग इस समय बातें बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको दवाई लेनी है, उनका दांत ठीक नहीं हो रहा है, उनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, उनके गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो तमाम जरूरत की जो चीजें हैं, ये आपकी वो जरूरत की चीजें नहीं है जो इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जान रहेगी तभी आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि सिलेंडर की सर्विसेज जो है वो लोग घरों तक पहुंचा रहे हैं, जो सिलेंडर की कंपनियां हैं, LPG की जो कंपनियां हैं, वो सीधे डिलीवरी घर पर देती हैं। लेकिन लोग फिर भी फिजूल ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं, और इसके लिए सख्ती से पालना करवाई जा रही है। शाम तक हमारे पास आंकड़े भी आएंगे कि कितने लोगों के चालान काटे गए हैं, कितने लोगों की गाड़ियां जब्त की गई है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारी डिटेल जो है ये हमारे पास देर शाम तक आ पाएगी। लेकिन अभी जो है पुलिस ने पूरी सख्ती शुरू कर दी है, और इसीलिए जो जो MPTV इंडिया के दर्शक हैं वो इस वक्त इस बात को समझ लें कि आपको अपने घर पर रहना है। सारी सूचनाएं आप तक हमारे जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये समझने की जरूरत है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो अब इस पुलिस की जो सख्ती होगी इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करेगी, धारा 144 तोड़ने पर भी करेगी, गाड़ियों को भी जब्त करेगी,
आपकी अगर अनावश्यक तौर पर बाहर निकलते हैं तो आपकी भी गिरफ्तारी होगी। इसके साथ में जब वीसी खत्म होगी तो उसके बाद में कुछ नए आदेश जो होंगे जो अभी बैठक में चल रहे हैं, वीसी के बाद कुछ निर्णय ले सकते हैं कलेक्टर एसपी दोनों। तो जो भी नया फैसला आता है तो हम एमपीटीवी इंडिया पर आपको वो फैसले बताएंगे। जो भी नई सूचना होगी शहर को लेकर प्रदेश को लेकर वो सूचना हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।